एनसीईआरटी इंटेक्स्ट क्वेश्चन है पेज 176 से। क्वेश्चन नंबर टू है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका कि सपोज ये आपका इंटरफेस है और यहाँ पर लाइट रे आ रही है जो कि एयर से आ रही है, ये मीडियम आपका कौन सा है, ये एयर है, और कहाँ पर आ रही है, ग्लास में। ठीक है, हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, तो ग्लास में आ रही है, तो ये तो आपको याद होगा कि ये लाइट रे बेंड करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बताया आपका, 1.50। ठीक है, लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एयर से ग्लास में जा रही है वो है 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, अब स्पीड लाइट की ग्लास में क्या होगी। ठीक है, कब, जब स्पीड लाइट की, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होता है आपका C/B। ठीक है, जहां पर C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो C आपका कितना है, 3×C दिया है आपका, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या दिया है मीडियम का, दैट इज 1.50। फॉर्मूला है आपका NM, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू C/B। तो हम सीधे अब N की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, दैट इज 1.50 इक्वल्स टू 3×10⁸ C की वैल्यू लिख ली, V आपको निकालना है। ये दोनों जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, V क्या आपका स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यहाँ मीडियम क्या है, ग्लास, तो इन ग्लास ये आपका V है। ठीक है, ये निकालना है, तो V हो जाएगा आपका 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.50। ठीक है, यहाँ पर आपने डेसिमल हटा करके 100 ऊपर कर दिया, तो आपका हो जाएगा 3×5 = 15, 0, 52 = 100, राइट। तो कितनी आ गई आपकी वैल्यू, 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है वो कितनी आ गई, V = 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, क्लियर।